कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए 16 जनवरी की तारीख का किया ऐलान। बिहार के 300 केंद्रों पर शुरू होगा वैक्सीनेशन। सीएम नीतीश कुमार पावापुरी के पोखरपुर गांव पहुंचे। इस दौरान जदयू नेता स्वर्गीय ठाकुर श्याम नंदन सिंह और पूर्व एमएलसी कपिल देव के श्राद्ध कर्म में हुए शरीक। राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का आज मनाया गया जन्मदिन। रांची के बहुबाजार स्थित ब्लाइंड स्कूल में मनाया गया बाबूलाल का 63वां जन्मदिन, तो वहीं 77 साल के हुए शिबू सोरेन ने मोरहाबादी स्थित आवास पर मनाया जन्मदिन। धन्यवाद यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ की बैठक। इस दौरान मजबूत जनाधार वाली सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की हार को लेकर किया गया मंथन। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने पावापुरी के रेडीमेड गारमेंट्स कलेक्टर का किया निरीक्षण। इस दौरान यहां बन रहे गारमेंट्स की डिप्टी सीएम ने की तारीफ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि पावापुरी गारमेंट्स नाम से जो यहां पर हमारे जो मजदूर आए थे और प्रवासी मजदूरों को लेके जिस तरह से काम यहां चल रहा है उसको और बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं और उन्हें जो भी सुविधा चाहिए उस सुविधा को हमने बढ़ाया। मुजफ्फरपुर में मंत्री मुकेश सैनी ने बायोफलॉक तकनीक से मत्स्य पालन योजना का फीता काट कर किया शुभारंभ। इस दौरान राजेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति समेत कई लोगों ने लिया हिस्सा। मुजफ्फरपुर में नियोजन पत्र को लेकर डीपीओ कार्यालय में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। झाझा के बरणवाल टोला में अपराधियों ने रात के करीब 2:30 बजे घर में बमबाजी कर लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे घटना स्थल पर। वहीं इस मामले में दो व्यक्तियों को लिया गया हिरासत में। जो जेवर था वो बिस्कुट के डब्बे में था जी। नेचुरल है कि कोई जानने वाला आदमी है जो इतना अंदर तक की जानकारी रखता था जी। दो लोगों को हम लोगों ने अभी हिरासत में लिया है जी। DSP झाझा के नेतृत्व में SIT बना दिया गया है। डॉग स्क्वाड भी आया है। हम लोग लगता है कि जल्दी ही इसका उद्भेदन करके आपको अरेस्ट कर लेंगे। झाझा रेफरल अस्पताल में पैसे उगाही को लेकर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। परिजनों ने बताया कि इलाज के दौरान हजारों रुपए की उगाही करने के बाद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा बरती जा रही है लापरवाही। हुआ है कि रात से बोल रहा है 1-2 घंटा करके रख ले, अभी अच्छी कर दिया डिलीवरी पेशेंट है। हाँ। और हम फोन किया बोला पैसा दो। कौन बोला है पैसा? नर्स किया। नाम पता है नर्स का? हाँ, नर्स के नाम भी पता है, चिंते भी है। क्या नाम है नर्स का? नर्स के नाम है मालती देवी। मालती देवी। मुजफ्फरपुर में बीते कई सालों से जल जमाव और गंदगी से परेशान लोगों ने आगजनी कर मुख्य सड़क को किया जाम। आक्रोशित लोगों ने निगम प्रशासन और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जताई नाराजगी। लातेहार के BRC भवन में पारा शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष विजय प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया बैठक। इस दौरान अध्यक्ष ने बताया कि हेमंत सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करेंगे तो हम करेंगे आंदोलन। अरवल जिले के विभिन्न जगहों पर चलाया जा रहा मास्क अभियान। इस दौरान SP ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि बिना हेलमेट का गाड़ी ना चलाएं। सहरसा में नहीं थम रहा अपराध। ताजा मामला बनगांव का है जहां एक 27 वर्षीय युवक का शव हुआ बरामद। मृत युवक की पहचान वीरेंद्र मंडल के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। सरायकेला में पुलिस लगातार शराब को लेकर चला रही अभियान। इस दौरान आदित्यपुर थाना क्षेत्र में देसी शराब की भट्टी को किया गया नष्ट। वहीं एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। बोकारो में इन दिनों बढ़ता जा रहा चोरों का आतंक। इसी क्रम में चोरों ने सोलगीड़ी के रहने वाला छोटू बाबू अंसारी के घर में चोरी घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच कर रही पुलिस। हमारा घर में चोरी हुआ है। हम हॉस्पिटल गए हुए थे। हम करीब 6 बजे तक यहाँ थे। 6 बजे के बाद हम अपना ताला वाला लॉक करके हम हॉस्पिटल चले गए। गहना हुआ है मोटा मोटी 1.5 लाख रुपये का और आपका 30,000 रुपये नगद था।